नोटबंदी से आम जनता ने क्या खोया, क्या पाया, किसको कितना फ़ायदा हुआ, किसी को कितना नुकसान हुआ, इसको लेकर आज भी लोगों के बीच में बातें होती हैं। ये माना जा रहा था कि नोटबंदी के बाद नकली नोट बाज़ार में चलना बंद हो जाएंगे, लेकिन अब 200 रुपए के नकली नोट बाज़ार में चलने की खबर ने आम लोगों की नींद फिर से उड़ा दी है। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट जारी हुई है और इस रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 में काउंटर फेक करेंसी को लेकर एक खुलासा किया गया है कि करीब 2 साल पहले जारी हुए 200 रुपए के नकली नोट बाजार में तेजी से पांव पसार रहे हैं। ये नकली नोट 160 गुना तक बढ़ गए हैं। इसके अलावा 500 रुपए से लेकर 10, 20 और 50 के नकली नोट भी बाजार में चल रहे हैं। 200 के नकली नोटों को लेकर आम लोग तो अब 200 रुपए का नोट लेने में भी कतराने लगे हैं। वैसे भी नकली नोटों का इतिहास काफ़ी पुराना है। इस नोट के तार डी कंपनी से लेकर आतंकवादियों की गैंग से भी जुड़े होने की बातें सामने आ चुकी हैं। ये भी पता चलता है कि भारत में अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी नकली नोट छापकर भारत भेजे जाते हैं। दूसरे देशों में छपने वाले भारत के नकली नोटों के बारे में अक्सर ये बातें सामने आती है कि बिहार, यूपी, बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते इस तरह के नकली नोट भारतीय बाजारों में पहुंचते हैं। अक्सर नकली नोट चलाने वाली गैंग इनका इस्तेमाल ग्रामीण इलाकों में ही करती है। नकली नोट चलाने वाले इतने शातिर होते हैं कि वो ऐसे स्थानों की तलाश करते हैं जहाँ पर काफ़ी ग्राहकी होती है और गले पर बैठने वाला व्यक्ति काफ़ी व्यस्त होता है। ऐसे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर भी नकली नोट आसानी से चलाए जा सकते हैं। बताते हैं कि अब 200 रुपए के नकली नोट चुनौती बनकर उभर रहे हैं। ये नोट हूबहू असली जैसे दिखते हैं। इनके बाजार में आने की चर्चाएं और सोशल मीडिया पर काफ़ी शोर हो रहा है। कुछ सालों पहले पाकिस्तान बांग्लादेश में छपे नकली नोट भारत में लाकर चलाए जा रहे थे। इसके लिए कई अपराधियों का सहारा लिया जाता था। इसके बदले में नकली नोट चलाने वालों को भारी कमीशन मिलता था, लेकिन अब कलर फोटोकॉपी मशीन आने के बाद तो पैसा कमाने के लिए अपराधी खुद ही नकली नोट छापने लगे हैं। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में तो नकली नोट के कारोबारियों के तार यूपी, गुजरात और पश्चिम बंगाल तक जुड़े हैं। पूर्व में तो यहाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश में छपे नकली करेंसी भी पकड़ी जा चुकी है। इंदौर में नकली नोटों के कारोबार का इतिहास सालों पुराना है। कुछ सालों पहले जूनी इंदौर पुलिस ने नकली नोट चलाने वाले यूपी के आरोपियों को बंदी बनाया था। तत्कालीन टीआई दीपक शुक्ला ने नकली नोट चलाने वाली गैंग को पड़ताल के लिए यूपी टीम भेजा तो पता चला कि ये नकली नोट की खेप बांग्लादेश और पाकिस्तान में छप रही थी और बंगाल और यूपी के रास्ते भारत भर में चलाई जा रही थी। मध्य प्रदेश के इंदौर में इस गैंग के तार जुड़े हुए थे। सितंबर 2009 में यूपी में नकली नोट चलाने वाली गैंग के मास्टरमाइंड अखिलेश राजपूत को बंदी बनाया गया था। उसने ये बात कबूली थी कि वो यूपी के कई ग्रामीण इलाकों में नकली नोट चला चुका था। सबसे सनसनीखेज खुलासा अखिलेश ने ये किया था कि नकली नोट छापने की ट्रेनिंग उसने इंदौर में ली थी। वहीं 2016 में अन्नपूर्णा इलाके से एक 12वीं की छात्रा को नकली नोट के साथ पकड़ा गया था। उससे पूछताछ की तो पता चला था कि उसके जीजा नितिन सागर प्रिंटर की सहायता से घर पर ही नकली नोट छापकर अपनी साली और अन्य लोगों की मदद से बाजार में चलाता था। अन्नपूर्णा पुलिस ने नकली नोट छापने वाले जीजा साली को बंदी बनाकर नकली नोट छापने के उपकरण भी बरामद किए थे। वहीं 2017 में पुलिस ने नकली नोट चलाने वाली गैंग का खुलासा किया था। इस गैंग ने पीथमपुर के करौंदिया में किराए का मकान लेकर नकली नोट छापने का धंधा शुरू किया था। गैंग के सदस्य नरेश पवार, रामेश्वर सहित 4 आरोपियों को बंदी बनाया गया था और इनके पास से 2,60,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए थे। ये भी प्रिंटर की मदद से नकली नोट छापते थे। दिसंबर 2017 में द्वारकापुरी इलाके से शाहजहाँपुर के रूप सिंह नायक, मक्सी के अर्जुन नायक, लोकेश चौहान एवं अभिजीत यादव को नकली नोटों के साथ पकड़ा गया था। इनके पास से 5,500 के 115 नकली नोट बरामद किए गए थे और इनसे पूछताछ में पता चला था कि इन लोगों ने धार में किराए का मकान लेकर नकली नोट छापना शुरू कर दिया था और इन्हें गुजरात से 1 करोड़ रुपए के नकली नोट छापने का ऑर्डर भी मिला था। इनके पास से भी प्रिंटर आदि बरामद किए गए थे। 2018 में भी इंदौर निवासी सुनील बाबू भाई पाटिल गुजरात में अपने साथी नरेश प्रजापति, कृषिल प्रजापति एवं मोहसिन मकरानी के साथ पकड़ा गया था और इसके पास से 3,02,000 के नकली नोट बरामद हुए थे। मास्टरमाइंड नकली नोट गुजरात में चलाता था और वहां इसके कई एजेंट थे। गुजरात पुलिस ने इनके खिलाफ केस भी दर्ज किया था।
वहीं इसी साल अप्रैल 2019 में पुलिस ने आनंद बाजार में आरके प्लास्टिक पर छापा मारकर नकली नोट छापने वाली गैंग का खुलासा किया। गैंग का मास्टरमाइंड जितेंद्र उर्फ लकी भोपाल का रहने वाला है। वो भोपाल में भी नकली नोट छापने के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। जितेंद्र का दिवाला निकलने के बाद वो इंदौर आ गया। यहाँ उसने मुरली पिता धर्मेंद्र अग्रवाल भोपाल, भरत उर्फ गोलू साधवानी भोपाल, राजेश उर्फ राजा गंधवानी आनंदनगर, अभिषेक पिता ताराचंद भंडारी खजराना और विजय पिता मुन्नालाल रायकवार श्रीनगर एक्सटेंशन को बंदी बनाया। आनंद बाजार की इसी दुकान पर नकली नोट छाप कर बाजार में चलाए जाते थे। इस गैंग के पास 93,000 के नकली नोट बरामद हुए थे। नकली नोटों के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में नकली नोट छाप कर भारत में भेजे जाते हैं। कुछ अरसे पहले ही ये चर्चा थी कि कश्मीर में आतंकवादियों को पाकिस्तान में नकली नोट भेजे जाते हैं और 2019 में पश्चिम बंगाल के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से 10 लाख रुपये के नकली नोटों के साथ आरोपियों को बंदी भी बनाया गया था और जून में दाऊद के सहयोगी यूनुस अंसारी को नकली नोट के साथ पकड़ा गया था और ये दाऊद अब्राहिम का साथी बताया गया था। हाल ही में खंडवा जिले में कलर प्रिंटर से 200 नकली नोट छापने वाली गैंग के 3 सदस्यों को बंदी बनाया गया। इनमें खंडवा जिला अस्पताल में एक्सरे करने वाले कर्मचारी भी शामिल है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी 200 रुपये के नकली नोट पकड़े जा चुके हैं। कलर प्रिंटर आने के बाद नकली नोट छापने में कई मामले सामने आ चुके हैं। इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बैंक अक्सर सार्वजनिक रूप से अपील कर चुके हैं कि लेन देन करते समय नोटों के असली होने की जाँच परख कर लें। इसके लिए समय समय पर असली नोट और नकली नोट के बीच के अंतर को भी सार्वजनिक किया जाता है। एक ओर देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ने का शोर मचा हुआ है और दूसरी ओर 500 के बाद अब 10, 20, 50 और 200 के नकली नोट बाजार में आने से खलबली बढ़ती जा रही है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।